हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम से आज तक मैं इस तरह के वीडियोस आप सबके साथ में शेयर करती हूँ और आप लोग सच में बहुत अप्रिशिएट भी करते हो, क्योंकि जैसा कि नवरात्रे अब स्टार्ट होने ही वाले हैं, कुछ ही दिन बच गए हैं, तो मुझे लगा आपके साथ में शेयर किया जाए 9 कलर्स 9 डेज़ के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपके साथ में शेयर किया है कि 9 दिन के 9 कलर्स बहुत अच्छा लगता है। हर एक दिन पे हमें अलग अलग कलर्स वेयर करने चाहिए। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्रत होता है तो हम पहनते हैं येलो या ग्रीन, तो ऐसे ही नवरात्रों में भी 9 डेज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, वो मैंने गूगल से ली है और इसमें दिखाया है कि आपको फर्स्ट डे पे कौन सी पहननी है, सेकंड डे पे कौन सा कलर पहनना है, थर्ड डे पे कौन सा पहनना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा वीडियो आज का होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। इन सभी के लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दिखाती हूँ अपना ब्यूटीफुल सा कलेक्शन। सो गाइस, नवरात्रि के फर्स्ट डे पे पहना जाता है ऑरेंज कलर, और मेरे पास ऑरेंज के ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने जो अभी रिसेंटली आपके साथ में शेयर किया है, मैं उसी को आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है मैंने लिया है कुछ ऐसा, ये देखो बहुत ही प्यारा सा शेड है, ऑरेंज शेड आपको मिल जाएगा। इसे हमें नवरात्रि के फर्स्ट डे पे वेयर करना चाहिए। होता ये है कि वैसे तो हम कुछ भी पहनो, कुछ भी है, जो भी कलर हमारे पास है, हम कोई भी कलर पहन सकते हैं। सब में ही अगर हम सच्चे दिल से पूजा करेंगे तो हमारी माता रानी जो है खुश हो जाएंगी। पर एक अच्छा लगता है कि आप उसी के दिन उसी पर्टिकुलर कलर को पहनो तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये है हमारा फर्स्ट कुर्ता। यहाँ पे राउंड नेक मिलेगा, कुछ इस तरह की डिटेलिंग है, बहुत ही प्यारा सा सेट है। यहाँ पे आपको ये डिटेलिंग भी मिल जाएगी, बटन्स का काम है, यहाँ पे साइड में ट्रायंगल लेस का वर्क है, इसमें ऑरेंज पिंक बेज काफ़ी सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेट जो है बहुत बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लिया था मैंने, 399 रुपीज़ में लिया था, और सुपर अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिली है। एंड शायद इनके पास ना और भी कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये है हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट। तो ये है हमारी स्लीव, 3/4 स्लीव मिल जाएगी, ये कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। ये मुझे उस टाइम भी बहुत पसंद आई थी और अभी भी बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट सा ट्रायंगल लेस लगाया है। तो इस सेट को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो फर्स्ट डे के लिए। यहाँ पे इसमें जो बॉटम मिलेगा वो मिलता है फुल इलास्टिकेटेड बैंड के साथ में, एंड ये है इसका पूरा साइज़, कुछ इतना साइज़ है, एकदम ठीक है, एकदम प्रॉपर आ रहा है। बीच बीच में आपको कुछ इस तरह की डिटेलिंग भी देखने को मिल जाएगी, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इस सेट को हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट मुझे मिला है। तो ये सेट जो मैंने आपके साथ में अभी जस्ट शेयर किया है, आप इसे डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा सा सेट आपको मिल जाएगा, बहुत परफेक्ट लगता है। नेक्स्ट सेकेंड डे पे पहना जाता है वाइट कलर। तो वाइट भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं वैसे तो रखे हुए घर में, पर मैंने ऑर्डर किया है ये वाला सेट। ये देखो, ये है 3-पीस सेट, इसमें कुर्ता है, बॉटम है, दुपट्टा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मीशो से लिया है मैंने, प्राइजेस जो है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो ये मिला है मुझे रेयॉन के मटेरियल में, ये कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा सा सेट है गाइज, इसे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, जितना पैटर्न है वो बहुत ही न्यू है, ऐसा नहीं है कि पुराना सा कुछ आपको मिलेगा, नहीं, इसका पैटर्न कलर सब कुछ बहुत स्टाइलिश लग रहा है। रेयॉन का फैब्रिक है, साइज़ लिया है मैंने इसके अंदर एल। यहाँ पर आपको राउंड नेक के साथ में थोड़ा सा कट मिल जाएगा, वी कट आउट मिल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स मिरर का काम आप देख सकते हो, वाइट के साथ में यहाँ पे इन्होंने ग्रे टच दिया है, एक अलग से फैब्रिक लगाया है, फैब्रिक के ऊपर पूरा ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, सीक्वेंस का वर्क है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये है इसका पूरा योग पार्ट, अनारकली पैटर्न में मैंने बाय किया है। ऑल ओवर कुर्ते में ये जो साइड में आपको पैटर्न दिख रहा है ना, ये सारा का सारा फ्लोरल पैटर्न, ये सेल्फ में है, प्रिंटिंग का वर्क नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रिंटिंग का वर्क इसके ऊपर नहीं है। ये है हमारी कुर्ती का पूरा फ्रंट पार्ट, कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको डोरी विद टेसल्स भी मिल जाएगी, ये भी काफ़ी क्यूट लग रही है, एंड ये लगता है बहुत ही प्यारा। यहाँ पे आपको कुछ इतना बॉर्डर मिलेगा, आप इसके बॉर्डर का साइज़ देखो कितना ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे ग्रे फैब्रिक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ अलग से लगाया हुआ है, यहाँ पे भी ग्रे फैब्रिक है, एंड यहाँ पे इन्होंने लगा के दिए एक वाइट कलर की लेस। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा पूरा फ्लेयर,
ये कुछ इतना कुछ नहीं, बहुत बहुत ह्यूज फ्लेयर है ये देखो, बहुत अच्छे साइज़ का आपको फ्लेयर मिल जाएगा, छोटा नहीं है। फ्रंट में, बैक में, इसकी स्लीव पे, सब पे ही आपको एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी कुर्ती का पूरा बैक पार्ट। इसकी स्लीव आपको मिल जाती है 3/4, ये स्लीव है। तो सेकेंड डे पे आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, वाइट पहनना होता है तो वाइट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पीस है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ट्रांजी नहीं है, क्योंकि नवरात्रों में काम रहता ही है, हम व्रत रखते हैं, हम फास्ट रखते हैं, कुछ खा नहीं पाते, तो हमें कुछ इजी ब्रीजी ही चाहिए और हमें जिसमें ठंडा ठंडा लगे और कूल कूल हम रहें। तो ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा है, वाइट शेड होने के साथ ट्रांजी नहीं है, तो आप इसे ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ आपको मिल जाएगा ये वाला बॉटम, बॉटम मिलता है ग्रे कलर में, यहाँ पे फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड के साथ मिलेगा। इसका फैब्रिक भी रेयॉन का है, पॉकेट नहीं है इसके अंदर। एंड ये है हमारे बॉटम का पूरा साइज़, एकदम परफेक्ट है। आप इसका साइज़ देखो, किसी को भी आराम से आएगा, छोटा नहीं रहेगा क्योंकि पेंट स्टाइल नहीं है, एकदम अच्छा सा खुला खुला मटेरियल आपको इन्होंने दिया है। इसके साथ मिलता है आपको ये दुपट्टा। दुपट्टा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। जॉर्जेट का मटेरियल है इसका, यहाँ पे कुछ इतनी विड्थ है, ये कुछ इतनी विड्थ मिल जाएगी। ग्रे वाइट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, तो ये है इसका पूरा लुक। बेस भी काफ़ी सुंदर है, फ्लोरल पैटर्न है। इसकी लेंथ मुझे जो है थोड़ी सी कम लगी है, बाकी ज़्यादा कम नहीं है। अच्छा सेट है तो आप इसे ले सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लो, बहुत टाइम हो गया, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स लेके आ जाओ वहाँ पे भी। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे थर्ड डे का, तो थर्ड डे पे वेयर किया जाता है रेड कलर। तो रेड कलर के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे, अगर आप घर में से कुछ पहनना चाहो तो पहन सकते हो, पर मैं आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आई हूँ जो कि परफेक्ट है करवा चौथ के लिए। इतना हैवी सा सेट लेके आई हूँ आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो ये देखो, ये लिया है मैंने कुछ ऐसा, और ये प्रॉपर करवा चौथ स्पेशल आप बोल सकते हो। रेड कलर में मुझे लगा कि करवा चौथ स्पेशल भी हो जाएगा और आप एक रेड कलर का कुर्ता जो है नवरात्रि के थर्ड डे पे भी वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का शेड लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, करवा चौथ के लिए एकदम स्पेशल है। यहाँ पे राउंड नेक मिल जाएगा, कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। ये जो जितना भी वर्क आप देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा सीक्वेंस का काम मिलेगा, कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। ये जो पैटर्न है ना, आपने देखा होगा लिबास ब्रांड पे 3,000-4,000 रुपये का मिलता है, काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं इस तरह के पैटर्न, पर आपको ये मीशो पे काफ़ी अच्छी रेंज के साथ मिल जाएगा। एंड इसके अंदर ना इन्होंने ये पैड्स भी लगा के दिए हैं, ये देखो, ये आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और फैब्रिक इसका जॉर्जेट का है, अंदर का जो लाइनिंग का फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है। ये है हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट, ये कुछ ऐसा लगता है। नीचे की साइड में आपको ये हैवी गैदरिंग्स देखने को मिल जाएगी। कलर शेड इसका बहुत ही क्यूट है, बहुत हैवी सा पीस लगता है। ये है इसका पूरा फ्रंट पार्ट, प्लेन मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका बॉर्डर। एंड इसे आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी पार्टी फंक्शन में, करवा चौथ पे, न्यूली मैरिड हो तो आप इसे वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका वर्क जो है ना पूरी तरह से एकदम हैवी वाला है। यहाँ पे आपको कुछ इतने साइज़ का बॉर्डर मिलेगा, इसका साइज़ आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े सीक्वेंस लगा के दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा बॉर्डर है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा पूरा फ्लेयर। अब आप इसका फ्लेयर देखो, फ्लेयर भी बहुत ही ज़्यादा हैवी दिया है इन्होंने, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम लगी बिल्कुल भी, कंजूसी इन्होंने नहीं करी है। ये अंदर की साइड में लाइनिंग का फैब्रिक है, ये भी काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ किया है। एंड जो इसकी कुर्ते का बैक पार्ट है वो है कुछ ऐसा, बैक से तो कुछ खास नहीं है, प्लेन मिलता है। तो यहाँ पे इसकी स्लीव आपको मिल जाएगी कुछ ऐसी, बहुत अच्छी स्लीव है। एंड ये पूरा हैवी सा बॉर्डर है, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई भी चूड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बैंगल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इसका जो बॉर्डर मिल रहा है वो बहुत अच्छे साइज़ का मिल रहा है, तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। कुछ एकदम पार्टी वियर चाहते हो तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसके साथ आपको ये दुपट्टा भी मिल जाता है, इसका बॉटम नहीं है, बॉटम इन्होंने शायद इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा होने वाला है और मेरी हाइट तो 5'2" है, तो मुझे तो पूरा फ्लोर लेंथ आएगा। ये है इसका पूरा दुपट्टा, बहुत एक्सट्रीम सुंदर, एक्सट्रीम लेवल का सुंदर। ये है इसकी पूरी विड्थ, कुछ इतनी विड्थ मिल जाएगी, ये पूरा डिटेलिंग है। यहाँ पे ये आप बॉर्डर देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये कुछ ऐसा लगता है, ये है कुछ इस तरह की डिटेलिंग, बहुत अच्छे से सारा काम किया हुआ है। देखो इसके बैक साइड में भी मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ।
इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत अच्छी है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, वर्क आप देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है, एंड ये कुछ इस तरीके तो परफेक्ट है करवा चौथ के लिए। आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको ये कलर चाहिए और इतना सुंदर चाहिए तो। नवरात्रि के फोर्थ डे पे पहना जाता है रॉयल ब्लू कलर, पर अब भी मेरे पास मैंने काफ़ी देखा कि मुझे कुछ अच्छा सा रॉयल ब्लू कलर मिल जाए, मुझे नहीं मिला। पर मैंने मीशो से जो ऑर्डर किया था वो है ये वाला सेट, तो ये प्रॉपर ब्लू कलर तो नहीं है पर ब्लू से थोड़ा मिलता जुलता है और हल्का सा ग्रीनिश शेड भी आ रहा है इसके अंदर, ये देखो। बाकी मेरे पास एक ऑप्शन और भी है ब्लू कलर का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वो वाला कलर चाहिए, वो वाला कुर्ता चाहिए, तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। वो है परफेक्ट रॉयल ब्लू कलर। ये है हमारा फोर्थ डे पे पहनने वाला सेट जो कि ब्लू कलर में है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्योर कॉटन के फैब्रिक के साथ में कुर्ता, दुपट्टा एंड बॉटम का सेट। प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसमें भी लिया है मैंने साइज एल, तो ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे राउंड नेक है, बहुत प्यारा सा है, बहुत ही ज़्यादा सटल है। ये कुछ इस तरह की डिटेलिंग है, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, आपको ब्लू पिंक ब्लू के साथ में थोड़ा सा वाइट और येलो का टच मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे आपको फॉल्स मिरर की डिटेलिंग भी मिल जाएगी। एंड ये सेट ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है, आप डेली वेयर करो, जितना मर्जी चाहे उतना काम करो, इसमें आप इजीली कर सकते हो। तो ये है हमारे कुर्ते का फ्रंट पार्ट, ये है इसका पूरा बैक पार्ट, एंड जो इसकी स्लीव है वो आपको मिल जाएगी 3/4। यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉर्डर है, आप ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, फैब्रिक इसका सुपर्ब होने वाला है, फैब्रिक में कोई भी कमी नहीं है। और ये जितना वर्क आप देख रहे हो ना, ये प्रिंटिंग का नहीं है, सेल्फ में है तो ख़राब भी नहीं होगा। और ये हल्का हल्का ऐसा लग रहा है गोल्डन टच है, गोल्डन भी प्रिंटिंग नहीं है इसके ऊपर, बहुत डिसेंट सेट है, तो आप इसे ले सकते हो। इसके साथ मुझे मिला है ये वाला बॉटम, बॉटम है सेमी इलास्टिकेटेड बैंड के साथ में, ये कुछ ऐसा। एंड इसकी इलास्टिक जो है ना काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको वन साइड पॉकेट भी मिल जाएगी, एंड पॉकेट का साइज़ यहाँ तक है, तो पॉकेट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने। ये भी आपको प्योर कॉटन के फैब्रिक में मिलेगा, कुछ इतना साइज़ है, ये देखो बहुत अच्छा साइज़ है, आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हो। एंड इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है वो है ये वाला, इसे जहाँ तक याद है मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज के साथ लिया था, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, ये है इसकी पूरी विड्थ, बहुत ह्यूज है। एंड कुछ इस तरह का आपको वर्क मिल जाएगा, पूरा ही दुपट्टा जो है आपको हैवी वर्क के साथ मिलेगा, सेल्फ में सारा वर्क है, ये है इसका पूरा बेस। तो अगर आप फोर्थ डे पे ये वाला ब्लू पहनना चाहो तो ये पहन सकते हो, नहीं तो जो मैं दूसरा ऑप्शन मैंने आपके साथ में शेयर किया आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास अभी वो नहीं है, अभी वो मैंने जोधपुर लेके गई थी वहीं छोड़ा हुआ है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो वो भी ले सकते हो। सो गाइस अब हम आ गए अपने फिफ्थ डे पर। फिफ्थ डे पर पहना जाता है येलो कलर, तो येलो कलर भी जो है मैंने आपके साथ में इतने सारे शेयर किए हैं, आप किसी भी वीडियो में देख लो एक येलो तो आपको मिल ही जाएगा, पर इस वीडियो के लिए मैंने इंक्लूड किया है ये वाला कुर्ता। ये कुछ इस तरह का है, ये इसका कुर्ता सेट है और ये है इसका दुपट्टा, तो इसे भी आप करवा चौथ पे पहन सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हैं स्पेशली रेड कलर नहीं पहनते, वो दूसरे कलर्स भी वेयर करते हैं करवा चौथ पे, तो अगर आप कुछ इजी ब्रीज से चाहते हो तो आप इसे पहन सकते हो, क्योंकि करवा चौथ पे ऐसा हो गया कि दिन के टाइम पे आपने ये पहन लिया फिर रात में कुछ हैवी पहन लिया तो ये अच्छा लगेगा सेट। तो ये कुछ इस तरह का है और फिफ्थ डे पे आपको पहनना होता है येलो शेड, तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा, अच्छे वाला मटेरियल है, रेयन का फैब्रिक है, लिया है इसके अंदर मैंने साइज एल। यहाँ पे राउंड नेक मिल जाएगा, राउंड नेक के साथ में आपको ये पाइपिंग सॉरी एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा गोल्डन थ्रेड से। ये जो वर्क है ना वो बहुत छोटा छोटा सा है, ये बहुत ही सुंदर भी लग रहा है, इतना छोटा छोटा सा वर्क है ना और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ये कुछ इस तरह का आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, ये भी बहुत ही प्यारी है, मुझे इसका जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगा है और इस कलर के साथ में एकदम परफेक्टली मैच भी कर रहा है। तो ये है हमारे कुर्ते का पूरा फ्रंट पार्ट, इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, ये है इसका पूरा बैक पार्ट, एंड जो इसकी स्लीव आपको मिल जाएगी वो है ये 3/4 स्लीव है, यहाँ पे गोटा लेस का वर्क है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। मीशो से अब की बार मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें रिसीव हुई है, कोई भी मुझे ऐसा ख़राब नहीं लगा कि ये ख़राब मिला है, तो ये सेट भी काफ़ी अच्छा है, ट्रांजी नहीं है, इजीली आप कैरी कर सकते हो। एंड इसके साथ मुझे मिला है ये वाला बॉटम, बॉटम मिला है फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड के साथ में, इसके अंदर आपको पॉकेट भी मिल जाती है,
तो एक सेकेंड, पॉकेट का साइज़ यहाँ तक आ रहा है इसके अंदर, ये रहा, तो इसका भी साइज़ एकदम ठीक है। बॉटम का साइज़ दिखाती हूँ, ये है इसका बॉटम का साइज़, तो बॉटम का साइज़ भी ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, काफ़ी परफेक्ट रहने वाला है, कंफर्टेबल रहने वाला है। एंड इस कुर्ते का है बेस्ट पार्ट, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो है आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, बांधनी का है, और ये दुपट्टा तो आप कितनी बार यूज़ कर सकते हो इसे, तो मतलब हमेशा ही हम इस तरह के दुपट्टा लेते ही हैं, कभी भी ट्रेंड से जाता नहीं है, हमेशा ही इन रहता है। तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा मिल जाएगा। एंड ये है इसके पूरे विड्थ, यहाँ पे आपको टैसल्स देखने को मिल जाएंगे, ये है इसका पूरा विड्थ। एंड दुपट्टे के चारों ही बॉर्डर पर आपको कुछ इस तरह की डिटेलिंग मिल जाएगी, ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये है इसका पूरा बेस, एंड ये पूरी लेंथ है, लेंथ और विड्थ इसकी सब कुछ एकदम बेस्ट है। तो मुझे इसका दुपट्टा बहुत क्यूट लगा, और इस येलो के साथ में तो एकदम परफेक्ट लगने वाला है। तो आपको फिफ्थ डे पे वेयर करना है ये वाला सेट। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कुर्ता, जो कि हमें पहनना है सिक्स्थ डे पे। सिक्स्थ डे पे पहना जाता है ग्रीन कलर। ग्रीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी घर में होंगे, नहीं है तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये ऑप्शन है कुछ ऐसा, एंड ये बहुत ही प्यारा है, इसे भी आप कहीं पे भी पहन सकते हो। अगर आपको इसे पार्टीज़ में पहनना है तो इसके साथ में गोल्डन स्कर्ट ले लो, गोल्डन दुपट्टा ले लो, तो आपका एक अच्छा सा सेट बन जाएगा। नवरात्रि में आपको सिक्स्थ डे के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये मिलने वाला है। इस ब्रांड पे मैंने बहुत सारी ऑलरेडी शॉपिंग करी हुई है, तो मुझे इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी चेकआउट कर सकते हो। इनके पास अफोर्डेबल ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये मिलेगी आपको रियॉन के फैब्रिक में, बहुत अच्छा सा प्यारा सा वर्क है, एंड कलर शेड भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें साइज़ लिया है मैंने एल, तो यहाँ पर आप देखो राउंड नेक है, कुछ इस तरह का वर्क है, ये देखो बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस का काम है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह की डिटेलिंग मिलेगी, जो मैंने ऑर्डर किया था मुझे वही रिसीव हुआ है। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, एंड मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस में लिया था इसको। तो ये है हमारी कुर्ती का पूरा फ्रंट पार्ट, एंड इसकी लेंथ आप देखो गाइस, कम प्राइस की होने के बाद भी लेंथ इसकी बिल्कुल भी छोटी नहीं है। अगर आप लंबे भी हो, टॉल भी हो, तो आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। ऑल ओवर कुर्ते में आपको ये प्रिंटिंग का वर्क मिलेगा, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है इसके साथ में। तो थोड़ा सा केयरफुली वॉश कर लेना, कहीं भी नहीं जाएगा। ये है इसकी स्लीव, 3/4 स्लीव मिल जाएगी कुछ ऐसी। तो ये है हमारी कुर्ती का पूरा बैक पार्ट, तो है ना सुंदर सा कुर्ता, बहुत ही प्यारा लगा है मुझे। इसका शेड, इसका लुक, इसकी लेंथ, सब कुछ एकदम बेस्ट है, एंड सुपर अफोर्डेबल है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सिक्स्थ डे। सो गाइज, अब हम आ गए हैं हमारे सेवन्थ डे पे, यानी कि सप्तमी पे। तो सप्तमी पे पहना जाता है ग्रे कलर। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे ग्रे ऑप्शंस अवेलेबल थे, पर जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा सेवन्थ डे के लिए, वो मैंने लिया है ये। आप ये देखो, एकदम बहुत ही प्यारा सा है ये वाला शेड, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसे लिया था मैंने अरीवा फैब ब्रांड से एल साइज़ में। तो ये कुछ मिलता है इस तरह का, ये इसका कुर्ता है। इसे ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फुल्ली पार्टी वेयर सेट, ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये यहाँ पे राउंड नेक है, बहुत प्यारा है, आपको इसका जब पहनोगे ना, इसका लुक एकदम एकदम बेस्ट आने वाला है, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा है, इसका पैटर्न काफ़ी अच्छा है, सब कुछ एकदम बेस्ट है, और ग्रे कलर भी है। तो यहाँ पे राउंड नेक के साथ में कुछ इस तरह का वर्क है, पूरा हैवी सीक्वेंस का काम मिल जाएगा। ऑल ओवर कुर्ते के फ्रंट पार्ट में आपको ये मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारा जो है, ये भी वीविंग का वर्क है, जिसे काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। तो ये है हमारी कुर्ती का पूरा फ्रंट पार्ट, ये है इसका पूरा बैक पार्ट। बैक से कुर्ती आपको प्लेन मिलेगी, ये है इसकी स्लीव, 3/4 स्लीव मिल जाती है, स्लीव के ऊपर भी ये बॉर्डर है। एंड कुर्ती का बेस्ट पार्ट है इसका अंदर वाला, जो कि आपको इनर के साथ मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे फैब्रिक की इनर लगाई है, जिसकी वजह से, क्योंकि वीविंग का वर्क है ना, तो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, पर ये इरिटेट नहीं करेगा। अच्छी सी जो है इन्होंने अंदर की साइड में इनर लगाई है। तो ये है इसका पूरा फैब्रिक, बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है। ये है हमारा बॉटम, बॉटम आपको मिलेगा सेमी इलास्टिकेटेड बैंड के साथ में। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएगी, जो कि कुछ इतने साइज़ की है। इसका फैब्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांजी रहेगा, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुर्ता ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा ट्रांजी नहीं पता चलेगा, पर फैब्रिक है इसका, ट्रांसपेरेंट है, देखो ये आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजी है। इनको इसके अंदर भी एक इनर लाइनिंग का फैब्रिक लगाना चाहिए था, ताकि ट्रांजी ना रहे और हर कोई इसे अच्छे से वेयर कर पाए। तो थोड़ा मुझे इसके बॉटम के फैब्रिक में कमी लगी कि इन्होंने लाइनिंग नहीं लगाई है। इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है वो है ये फुल्ली पार्टी वेयर दुपट्टा, आप इसे बोल सकते हो। इसे तो आप जैसे मर्जी कैरी करना चाहो, नवरात्रि में एंड करवा चौथ पे भी पहन सकते हो, इसे
बहुत ज़्यादा ऐसे कंपलसरी नहीं है कि हमें रेड ही पहनना है, हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्स भी पहन सकते हैं। तो अगर आप ये कैरी करना चाहो तो आप ये कैरी कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, दिन में एक बार जो होता है कि हमें रेड कलर पहनना है तो उस टाइम पहन लिया, बाकी पूरे दिन के लिए हम इस तरह के सेट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये है कुछ ऐसा, ये कुछ इतनी विड्थ मिल जाएगी। एंड इसका काम देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये है इसका पूरा बेस, प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर विड्थ, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो अब आता है अष्टमी का दिन। अष्टमी के दिन पे क्या होता है, बहुत लोग जो है अष्टमी पूजते हैं और बहुत लोग जो है नौमी पूजते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे हम लोग नौमी पूजते हैं, तो जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनके पास तो इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम का लोड हो जाता है, कंजके करनी होती है, घर में कितना काम हो जाता है, पूजा पाठ होती है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, तो उनके लिए अष्टमी के दिन पहना जाता है पर्पल कलर, यानी कि बैंगनी कलर। तो बैंगनी कलर में मेरे पास ये वाला ऑप्शन था जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मुझे लगा यही शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कुछ ऐसा, गोसिरी की ब्रांड से लिया था और ये क्या गज़ब लगता है पहनने के बाद। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको नेक मिलेगा, ये देखो बहुत प्यारा सा वर्क है। तो आप अष्टमी पे इतने सारे काम करने के साथ इसे पहन सकते हो, क्योंकि ये सुपर कंफर्टेबल रहने वाला है और अफोर्डेबल भी बहुत है। तो ये कुछ इस तरह का है, डिटेलिंग काफ़ी सुंदर है। ये है इसका पूरा फ्रंट पार्ट, इसकी लेंथ भी बहुत ही अच्छी है, बीच बीच में आपको ये मोटिव्स देखने को मिल जाएंगे। ये है इस कुर्ती का पूरा बैक पार्ट, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, तो कोई भी इनर भी आपको कैरी नहीं करनी पड़ेगी। ये है हमारी कुर्ती की स्लीव, 3/4 आपको स्लीव मिलने वाली है। एंड कुछ स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका जो है ये काफ़ी अच्छा लगा है और बहुत सारे क्रिएटर्स ने इसे दिखाया भी है, और ये बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। इसके साथ आपको जो बॉटम मिलेगा वो है ये वाला, ये इसका बॉटम है, फुल इलास्टिकेटेड बैंड के साथ मिलेगा। इसमें भी आपको एक साइड में पॉकेट मिलने वाली है, जो कि कुछ इतना साइज़ है, साइज़ इसका भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये है इसका बॉटम का साइज़ कुछ इतना, बहुत कंफर्टेबल है, आप बैठो उठो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैब्रिक भी इसका अच्छे वाला रेयन है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। एंड इसके साथ जो दुपट्टा मिलेगा वो है ये दुपट्टा आपको मिलेगा शिफॉन के फैब्रिक में। तो दुपट्टे की जो लुक आती है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसकी एक तो मैं विड्थ दिखाती हूँ, विड्थ है कुछ इतनी, बीच बीच में आपको ये स्टोन लगे हुए मिल जाएंगे, ये कुछ ऐसे। ये जब पहनते हो ना बहुत प्यारा लगेगा, दुपट्टा वगैरह सर पे लेना होगा तो ये आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो, क्योंकि हैवी दुपट्टे ना कैरी करने में मुश्किल हो जाती है, बच्चों को कंजकों में खाना खिला रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बहुत लाइट वेट फैब्रिक है, आप इसे इजीली कैरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है इसकी पूरी लेंथ और पूरी विड्थ, बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आप इसे अष्टमी पे पहन सकते हो। नवरात्रि के 9th डे पे, मतलब कि लास्ट डे पे जो है हमें पहनना चाहिए पिकॉक ग्रीन कलर। तो ये कलर ना थोड़ा सा मुश्किल है मिलना, मेरे पास है पर लिबास के हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि इस वीडियो में उसे इंक्लूड करना चाहिए। तो एक ऑप्शन जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो है ये वाला, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर है, पिकॉक ग्रीन ही इसे बोल सकते हो। एंड ये लिया था मैंने सुपर अफोर्डेबल प्राइस में। जैसा कि नौमी के दिन भी बहुत सारा काम रहता है, जैसा बताया नौमी और अष्टमी दोनों ही कई लोग पूछते हैं, तो उस दिन के लिए भी ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि कंफर्टेबल रहोगे, हैवी नहीं है और साथ में सुंदर भी बहुत है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का मिलेगा, राउंड नेक है और इसमें साइज लिया है मैंने L, कुछ इस तरह का राउंड नेक, बहुत ही प्यारा सा वर्क, ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, प्रिंटिंग का वर्क यहाँ पे नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत अच्छे से फॉल्स मिरर के डिटेलिंग इन्होंने लगा के दी है, ये पूरा जो वर्क है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, इस तरीके से इन्होंने पूरा फॉल्स मिरर को लगाया हुआ है, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल ओवर कुर्ते पे आपको ये वर्क मिल जाएगा, ये जो वर्क है प्रिंटिंग का है, तो थोड़ा सा केयरफुली वॉश करना, बाकी काफ़ी अफोर्डेबल है। इसका पूरा फ्रंट पार्ट है, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। ये है इसका पूरा बैक पार्ट, इसकी लेंथ भी जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये है इसकी स्लीव, 3/4 आपको स्लीव मिल जाएगी, स्लीव के ऊपर भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके साथ भी आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गोल्डन बॉटम ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, रेड के साथ तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन के आएगा कंट्रास्ट में, तो वो भी आप इसके साथ में काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हो। रेड दुपट्टा ले लो, रेड बॉटम ले लो, एकदम सेट जो है आपका रेडी हो जाएगा। तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ही प्यारी है। इसका फ्रंट और बैक पे सब पे ही आपको ये काम मिल जाएगा, बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है एंड सुपर डुपर अफोर्डेबल होने वाली है। तो ये आपको पहननी है अष्टमी के दिन। सो गाइज, ये था आज का पूरा हॉल वीडियो, आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। 9 डिफरेंट शेड्स आपको दिखाए हैं 9 दिनों के लिए, तो
थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, काफ़ी प्यारा सा है नवरात्रि के लिए। मैं आपके साथ में अभी से इस टाइम पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है, 10 दिन में आ जाएगी। तो कई बार होता है ना कि अभी आपको मैंने शेयर किया है तो आप ऑर्डर करोगे, रिसीव होगा, कुछ साइज़ भी इशू हुआ तो आप एक्सचेंज रिटर्न कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने अभी इसी टाइम पर शेयर कर दिया। जैसा चाहो आप, जब मर्जी चाहो इसे ले सकते हो, बहुत प्यारा कलेक्शन है और सारे के सारे पीसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं। इन सभी के लिंक्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।